Question number three. What is question number three? To conduct supports day activities in your rectangular shaded ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of one meter each. Hundred flower pots have been placed at a distance of one meter from each other along AD, as shown in fig. Niharika runs one by fourth. The distance of 80 on the second line and posts a green flag. Preet runs one by fifth. The distance of 80 on the eighth line and posts a green flag. If Reshmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two joining the two flags, where should she post her flag? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक सपोर्ट्स डे मनाने के लिए एक ग्राउंड है ये ग्राउंड है रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ए बी सी डी ठीक है उसको क्या किया है पोडर से है ना चूना डालते हैं ना ग्राउंड में उससे कितने बनाए हैं टेन लाइन और इस तरह बनाए हैं देखो हर किसी हंड्रेड लाइन पे क्या बनाया है फ्लावर पॉट फ्लावर पॉट है ना गमला एक फ्लावर का गमला उस पे क्या प्लेस किया गया हंड्रेड फ्लावर मीटर के बाद एक गमला दो मीटर के बाद एक और गमला तीन मीटर के बाद एक और गमला ऐसे कितने गमले आएंगे ऐसे कितने गमले लगाए हंड्रेड तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी सीधी सी बात है टेन ए बी इज टेन मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ इज हंड्रेड मीटर

का। उसने का पे लगाया है उसने इस दूसरी लाइन पे लगाया है जंडा पे लगाया है ये बोल रहा है उसने लगाया चौथवा हिस्सा एडी।, एडी की डिस्टेंस कितनी है हंड्रेड हंड्रेड का वन बाई कितना होता है बाद में ठीक है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है कहां एकसिस, एकस, की तरफ जा रहा है टू और वाई एक्सिस By four, that is 25. मैं suppose कह रहा हूं ये आपको ये पॉइंट मिला उसके बाद इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो हम मान के ले चलते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स मानते हैं सॉरी एक्स नहीं पी मानते हैं और इसका इस point को क्यू मानते हैं अगर इसके डिस्टेंस निकालना है तो इसका डिस्टेंस क्या है एक्स का वैल्यू क्या होगा एट क्योंकि X, X में ये कितना जा रहा है ये तो वाई की तरफ जा रहा है तो by हो गया है ठीक so यहां तक तो क्वेश्चन ऐसे ही करना आपको फिर क्या बोल रहा है उनके दरमियान जितना डिस्टेंस है पी क्यू के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है पी क्यू के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है ओके okay, जितना होगा उतना उसके बीच में उसके बीच में ये सेंटर है उसके बीच में क्या उसके बीच में कौन झंडा लहरा रहा है रेशमी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग रेशमी कौन सा कलर का फ्लैग लगा रही है ब्लैक इस, इस पे लेट इट बी आर लेट इट बी आर उस पर फ्लैग लगा रही है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स जब आप लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे दो फ्लैग्स के दरमियान ओके बिटवीन द टू बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स वायर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग वो अपना फ्लैग कहां पे पोस्ट करेगी वो अपना फ्लैग कहां पे पोस्ट करेगी ठीक है मीन्स हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर पहले देखो सल्यूशन सल्यूशन देखो लेट पी इज द पॉइंट वायर जहां पे कौन फ्लैग लगा रही है वायर नहरिका निहारिका पोस्ट ए फ्लैग या हर फ्लैग ओके हर कौन सा कसम है ग्रीन हर ग्रीन फ्लैग ओके डियर फोर कॉर्डिनेट्स ऑफ पी किसके बराबर होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी किसके बराबर वो दूसरी लाइन पे क्योंकि किस किस लाइन पे डाल रहे हैं देखो ना सेकेंड लाइन एंड पोस्ट सेकेंड लाइन मीन एक्स एक्स की तरफ second two है और वन बाई फोर्थ डिस्टेंस ऑफ एडी तो एडी किसको को रिप्रेजेंट कर रहा है y को अगर आप आप का क्या है? हंड्रेड दैट इज फोर वन एंड फोर ट्वेंटी वैल्यू ऑफ द इज द वैल्यू ऑफ दे ये किसका वैल्यू निकल गया कॉर्डिनेट्स ऑफ पी ये कॉर्डिनेट्स ऑफ पी हो गया ठीक है ओके okay. इसी तरह हम मान के लिए चलते हैं लेट क्यू इज द पॉइंट वायर कौन फ्लैग लगा रहा है प्रीत प्रीत पोस्ट हिज फ्लैग या पोस्ट फ्लैग अब पता नहीं लड़की है या लड़का है इसलिए हम लिखेंगे पोस्ट फ्लैग पोस्ट फ्लैग और दियर फोर कोट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू किसके बराबर होंगे अब देखो कितनी लाइन पे डाल रहा है एट्थ लाइन दैट इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस

अब हमने क्या करना है हम लेट सपोज करेंगे अगेन हम लेट सपोज करेंगे लेट और एक्स कमा वाई बी ए बी ए पॉइंट पी ए पॉइंट इन लाइन सेगमेंट इन लाइन सेगमेंट किस लाइन सेगमेंट पे ज्वाइनिंग जो किसको ज्वाइन कर रहा है P P का वैल्यू क्या है टू ट्वेंटी फाइव एंड क्यू क्यू का वैल्यू क्या है इन हाफ का मतलब क्या होता है आधा यहां पे होना चाहिए आधा यहां पे होना चाहिए तो इन रेशियो वन इज टू वन नहीं समझ में आया इन रेशियो वन इज टू हाफ का मतलब तो ये हो गया ना एक हिस्सा वहां होगा आर से लेकर क्यू तक दूसरा हिस्सा होगा आर से लेकर पी तक दियर फोर एक्स इज इक्वल टू देखो यार या इसको कहते हैं मिड पॉइंट मिड पॉइंट जब रेशो सेम गए ना जब रेशो सेम होते हैं जब सैम होते, हैं, वन इस तो वन होते हैं तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला में पॉइंट फार्मूला वट इज मिड पॉइंट फार्मूला एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू वट इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई टू प्लस कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला तो यह है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये मान लो एक्स वन ये मान लो वाई वन ये मान लो एक्स टू ये मान लो वाई टू तो लगाओ एक्स का वैल्यू क्या होगा फिर एक्स टू प्लस एक्स वन दैट इज एट प्लस टू दैट इज टू इसी तरह वाई का वैल्यू क्या होगा वाई का वैल्यू क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला किसे कहते हैं एक्स का वैल्यू होता है एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू वाई का वैल्यू क्या होता है और y इज इक्वल टू फोर्टी फाइव बाई टू दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव तो रिक्वायर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट आर वैल्यू क्या निकला फाइव का माँ ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव वायर जहाँ पे जहाँ पे रेशमी पोस्ट हर फ्लैग समझ में आया तो मीन्स कहाँ पे ये फिफ्थ लाइन होगी उस वक्त क्या होगी फिफ्थ होगी लाइन और डिस्टेंस क्या होगी 22.5 सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना है 22.5 तो ये हुआ पॉइंट है समझ में आया ठीक yes. है डाउन ओके okay. इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स डिस्टेंस बिटवीन द ब्लू फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग या पी एंड क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू तो हम क्या लगाएंगे यहां पर डिस्टेंस फार्मूला तो पी क्यू पी क्यू मीनस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू हमने बताया पॉइंट पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है एक्स टू माइनस एक्स ऑन होल स्क्वायर

That is minus 5 whole square. That is distance PQ is equal to root 36 plus 25. The PQ distance equal to root of 61 meter. So the distance between the two flags is 20, root of 61 meter. Theke? Write down. Okay. Question number 4: find the ratio in which the line segment joining the points 3 minus 3, 10 and सिक्स का माइनस एट इज डिवाइडेड बाई माइनस वन का सिक्स देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है ये मान लेते हैं पॉइंट ए इसका वैल्यू क्या है माइनस थ्री का टेन वैल्यू जब मैं बोल रहा हूं ना तो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं एंड व्हाट इज द बी पॉइंट मान लेते हैं सिक्स का मां एट यह पॉइंट है इस पॉइंट से यह डिवाइड हो रहा है इज डिवाइडेड बाय क्वेश्चन को समझ लो ये दो पॉइंट एक लाइन बना रहे हैं इस पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं मान लेते हैं ये पी है अब आपको बोलना है किस रेशो में डिवाइड हो रहा है तो हमें किसको निकालना है रेशो को निकालना है एक एग्जाम्पल हमने ऐसा आपको पढ़ाया है कि आपको रेशो ढूंढना है तो हम क्या रेशो रखेंगे के इज टू वन मैंने बताया तो हम क्या लिखें लेट लेट ए माइस थ्री का टेन एंड बी वट इज बी सिक्स का माइनस टेन तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायग्राम भी लिखोगे ना तो बहुत अच्छा है क्योंकि याद रहेगा डायग्राम से लेट ए माइनस थ्री का मा टेन एंड बी सिक्स का हम मान के लिए चलते हैं पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है माइस वन का मा सिक्स इन किस रैशो में के इज टू वन बस सेक्शन फॉर्मूला को फ्रेम कर लो वहां से के मिलेगा जब के मिलेगा तो रैशो मिल गया तो ये मान लो एक्स वन ये y1 ये मान लो x2 ये मान लो y2 ये मान लो x ये मान लो y ये मान लो m और ये मान लो n बस सारी चीजें फिक हो गई देर फोर बाई किस फार्मूला से सेक्शन फार्मूला एस एफ शॉर्टकट में हम लिखेंगे एस एफ अच्छा सेक्शन फार्मूला के हम दोनों कॉर्डिनेट्स लेंगे नहीं एक कॉर्डिनेट लेना है क्यों क्योंकि हमें निकालना क्या है क्योंकि हमें क्या निकालना है हमें थोड़ी एक्स और वाई निकालना है और एक्स और वाई तो दिया गया है चलो हम कोई एक्स लेक्स उसके हिसाब से सेक्शन फार्मूला के हिसाब से एक्स कॉर्डिनेट किसके बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन चाहो तो वाई भी लिख सकते हो प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन अगर हमें के का वैल्यू मिल गया एक ही से तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ दोनों को अभी सॉल्व करेंगे ना तो के का वैल्यू सेम ही निकलेगा क्योंकि लाइन एक है और पॉइंट भी सेम है व्हाट इज एक्स The x of value here is minus 1. And what is the value of m? k. What is the value of x2? Six. That is 6. Plus what is the value of n? 1. one. What is the value of x1? Minus Upon. What is the value of m? K. plus one. 1. 1 into minus k? minus k? minus 1. Okay? That is 6k minus 3. माइनस के सिक्स के को वहाँ शिफ्ट कर लो माइनस सिक्स के माइनस थ्री माइनस वन को यहाँ शिफ्ट कर लो प्लस वन दैट इज माइनस सिक्स सेवन के है ना माइनस के एंड माइनस सिक्स के इज इक्वल टू माइस टू दिस एंड दिस इल यू कैंसल आउट के इज इक्वल टू टू बाई सेवन दियर फोर दियर फोर रिक्वायर्ड रैशो क्या है इज टू इज टू सेवन समझ में आया राय डाउन ओके एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू एंड क्वेश्चन नंबर फाइव और एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्या इज क्वेश्चन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए वन कमाइव एंड बी माइनस फोर कमा फाइव इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सीज ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिविजन देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मान लो ये एक्स एक्सीज है और ये हमारा वाई एक्सीज है एक लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 कमा कौन सा फाइव माइनस फाइव मान लो ये पॉइंट लेटेड भी यहां पे होगा 1 कमा माइनस फाइव और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस फोर कमा फाइव मान के ले चलते वो यहां पे होगा बी माइनस फोर कमा फाइव आप बोलोगे सर आपने इस तरह उल्टा क्यों लिया इस तरह भी ले सकते थे यहां पे x का वैल्यू पॉजिटिव है y का नेगेटिव तो कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेट में होगा यहां पे x का वैल्यू नेगेटिव और y का पॉजिटिव तो इस कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेंट में होगा अगर ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे अगर ये लाइन हम क्या करेंगे ज्वाइन ये किसको ये किससे कट हो कटता है x एक्सिस से भी कटता है यहां पे है ना ये x एक्सिस मान लो ये पॉइंट P है x एक्सिस से कटता है आपको एक तो रेशियो निकालना है व्हाट इज द रेशियो

तो एक्स की तरफ गया ही नहीं तो जीरो क्या निकालना है और क्या निकालना है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं चलो एक पॉइंट तो निकाला हुआ है कौन सा वाई का पॉइंट क्या है जीरो पॉइंट निकालना पड़ेगा एक्स का तो हम क्वेश्चन को कैसे लिखें हम लिखेंगे लेट लेट पी एक्स काम जीरो अब आप बोलोगे सर उसने तो बोला है एक्स एक्सी से डिवाइड होगा हो है। तो ये भी तो एक्सी से डिवाइड हुआ एक्स एक्सी से क्योंकि पॉइंट का वैल्यू मैंने क्या लिया एक्स P x कमा जीरो डिवाइडस किस को डिवाइड करता है डिवाइडस ए वन का माइनस फाइव एंड बी बी का वैल्यू क्या है माइनस फोर कमा फाइव इन किस रेशो में बोलो किस रेशो में जब रेशो पता नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं लेते हैं ठीक है है उससे पहले क्वेश्चन में हमने किया है एक बार तो हम सेक्शन ये, 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 तो ये क्या है एक्स और ये वाई अच्छा मुझे बोलो, अगर हम, पे लगाएंगे, हम किस कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे X नहीं एक्स कॉर्डिनेट तो अनून है हम वाई कॉर्डिनेट को यूज करेंगे क्योंकि वाई कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट का न्यूमेरिकल वैल्यू है किसके बराबर है जीरो के बराबर है दियर फोर बाई सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला के हिसाब से एक्स के कॉर्डिनेट होते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन वाई के कॉर्डिनेट किस तरह किसके बराबर होते हैं एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन वट इज द वैल्यू ऑफ वाई The ऑफ of इज is व्हाट इज द वैल्यू ऑफ value दैट इज That is व्हाट इज द वैल्यू ऑफ value of y2? The इज is प्लस plus n. इज द वैल्यू ऑफ of दैट इज इक्वल टू to इंटू into इज द वैल्यू ऑफ of y1? दैट इज minus फाइव अपॉन m. दैट इज k plus वन समझ में आया हमें k निकालना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो बनेगा अरे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही बनेगा दैट इज 5k माइस फाइव और मैं लिखूं फाइव माइनस फाइव फाइव के को यहाँ शिफ्ट कर लो माइस फाइव के इज इक्वल टू माइनस फाइव दिस दिस काट दिस दिस काट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वन के का वैल्यू वन है तो वो, क्या रेशो है फिर वन इज टू वन मीन उसने मिड पॉइंट पे इसको क्या किया है डिवाइड किया है द रेशो इज़ तो वट इज़ द रेशो तो रेशो इज वन इज टू वन चलो रेशो तो निकल गया अब क्या चाहिए कॉर्डिनेट्स ऑफ P. P. अब देखो चलो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे दिया गया है वाई कोऑर्डिनेट तो दिया गया है हमें किस कोऑर्डिनेट को निकालना एक्स यहां पे सेक्शन फार्मूला के हिसाब से एक्स किसके बराबर होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन वट इज एक्स दैट इज एक्स अनून वट इज एम हाँ अरे एम इज टू एन अब आप बोलोगे सर फिर के अरे वैल्यू तो निकल गया दैट इज एम का वैल्यू क्या है वन इंटू एक्स टू वट इज वैल्यू ऑफ एक्स टू माइस फोर प्लस वैट इज वन इंटूस चाहो तो आप मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते थे यहां एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू मिड पॉइंट फार्मूला में आपको एम एन को नहीं लेना पड़ता है लेकिन तब क्या होना चाहिए रैक्शो जब क्या होगा सेम होगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइस फोर प्लस वन अपॉन टू दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू दियर फोर रुकायर्ड रुकाय पॉइंट ऑफ डिविजन पॉइंट ऑफ डिविजन क्या है डिविजन इज पी क्या है माइनस थ्री बाई टू कामा जीरो समझ में आया ओके राइट डाउन लाउ वॉट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज

वन का मा टू का बी पॉइंट है बी वट इज सीज है इनफैक्ट फोर का ये सी है एक्स का और ये डी है थ्री का मा फाइव ठीक है दिस इज परलोग्राम, ए बी सी डी इज अ पर्लोग्राफ चलो डायगोनल को भी ज्वाइन कर लो ये डायगोनल है दिस इज द डायगोनल मान के ले चलते हैं उन्होंने किस पॉइंट पे ई पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट किया है देखो हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए क्या चाहिए बस हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए हम निकाल सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू लेकिन हम क्या यूज करेंगे मुझे सबसे पहले आप ये बोलो जो पर्लोलोग्राम में डायगनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कहां पे करते हैं आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी नाइन्थ में द डाइगनल ऑफ द पर्लोलोग्राम इंटरसेक्ट एट एट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मतलब क्या जितना ए से लेकर ई e तक होगा उतना ही ई e से लेकर सी तक होगा ठीक है और जितना बी से लेकर ई e तक, e ले तक होगा उतना ई से लेकर डी तक होगा ठीक है ना कहां पे, कहां पे करते हैं डिवाइड मिड पॉइंट अच्छा अगर मैं इस तरह लिखूं, गिवन वर्टिसेस गिवन चलो पहले लिखते हैं गिवन ऑफ पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम का हमने नाम क्या रखा ए बी सी डी आर क्या है द वैल्यू ऑफ ए क्या है वन कामा टू और बी का वैल्यू हमने क्या रखा फोर का माई सी का हमने क्या रखा एक्स का मिक्स एंड हमने डी का क्या रखा थ्री कमा फाइव ठीक है देखो मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन को लेट लेट ए वन कामा टू एंड बी सॉरी सी एंड सी

असल में लिखना था एक्स एंड वाई चूंकि एक्स और वाई पहले से ही यूज हुआ है बाई एक, डैश वाई डैश, इन किस में मुझे बोलो अरे आपने खुद बोला मिड पॉइंट करता है जब मिड पॉइंट होता है तो ए से लेकर ई तक उतना ही होगा जितना ई से लेकर सी तक होगा माल के लिए चलते हैं ए से लेकर ई तक एक हिस्सा है ई से लेकर सी तक एक और हिस्सा है दैट इज वन इज वन अब टू इज टू भी लिख सकते हो तब जाके भी वो five, five लिखो तो भी क्या बनेगा लेकिन मिड पॉइंट पे ज्वाइन करता है ठीक है दियर फोर दियर फोर बाई सेक्शन फार्मूला अरे लगा सेक्शन फार्मूला मान लो ये x1 है, ये y1 है ये x2 है, ये y2 है और ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये हमारा m है ये n है बात खत्म समझ में आया ना बस सब कुछ दिया मैंने तो वट इज द वैल्यू ऑफ तो क्या लिखा मैंने उसका वैल्यू एक्स डैश इज इक्वल टू क्योंकि एक्स के बदले एक्स डैश है तो वट इज द एक्स किसके बराबर होता है एक्स डैश एक्स किसके बराबर होता है सेक्शन फार्मूला में एम एक्स टू दैट इज एम इंटू एक्स टू दैट इज एक्स प्लस एम का वैल्यू भी है ना वन छोड़ो फिर वन प्लस एन एक्स वन दैट इज वन अपॉन टू मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हम यहां पे क्योंकि वन इज टू तो वन रेशो है इसी तरह वाई डैश का वैल्यू क्या है Y का वैल्यू है इज 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 दैट तो का वैल्यू किसके बराबर मिला एक्स प्लस वन अपॉन टू और वाई डैश का वैल्यू सिक्स प्लस टू दैट इज एट बाई टू दैट इज फोर चलो चलो जी रहने दो आप बोलोगे सर आप, आपको निकालना क्या है आप बोलोगे सर हमें किसी भी तरीके से एक्स और वाई चाहिए और आप हमें कुछ और बोल रहे हो वहीं पर आएंगे हम अगेन मैं अगेन करूंगा अगेन अगेन, ई एक्स डैश कमा वाई डैश डिवाइडस अरे ये एक और डायगोनल को भी डिवाइड करता है ना किस डायगोनल को डिवाइडस बी फोर कमा वाई एंड डी थ्री कमा फाइव किस रेशियो में अरे इसको भी वन एस टू वन में क्योंकि थ्योरम है समझ में आया ना ओके yes, okay, तो यहां पे भी मिड पॉइंट फार्मूला लगा दियर फोर एक्स डैश का वैल्यू यहां पे क्या बनेगा X2 plus X1, एक्स X2 दैट इज एक्स टू प्लस 2 वन डिवाइड बाई टू और y dash का वैल्यू किसके बराबर होगा है ना Y2 plus Y1 upon 2. अरे यहां तो एक प्रॉब्लम हो गई पॉइंट एक ही है, है ना पॉइंट तो ये पॉइंट तो बदलता नहीं है दिस इज the कॉमन बिटवीन द टू diagonal points. पॉइंट तो एक ही है लेकिन वैल्यूज दो निकल रही हैं एक्स डैश का वैल्यू एक्स प्लस पे तो सेवन बाई टू यहाँ पे फोर यहाँ पे फाइव पॉसिबल है हाँ, है है कब जब ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या होंगे बराबर होंगे बाई टू ओके टू टू कैंसल तो एक्स का वैल्यू सेवन माइनस वन डेट इज सिक्स इसी तरह वाई डैश का वैल्यू यहां पे क्या है फोर और यहां पर क्या है फाइव प्लस वाई डिवाइड बाई टू दैट इज टू फोर जार एट इज इक्वल टू फाइव प्लस वाई दैट इज एट माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू थ्री आपको क्या चाहिए था एक्स एंड वाई अरे मिल तो गया राय डाउन